दोस्तों आज का मैच दबंग दिल्ली और पुणेरी पलटन के बीच मैच खेला जा रहा है। दोस्तों ये मैच बेहद ही यहाँ पर शानदार मुकाबला यहाँ पर खेला जा रहा है इस मैच में। और यहाँ बात करते हैं दोस्तों दबंग दिल्ली का जो अभी स्कोर हुआ है वो हुआ है 22 पॉइंट, वहीं पुणेरी पलटन का जो स्कोर हुआ है वो हुआ है 24 पॉइंट। वहीं यहाँ पर दबंग दिल्ली ने यहाँ पर 2 पॉइंट से यहाँ पर लीड इनको नहीं दे रखी है। पुणेरी पलटन ने यहाँ पर लीड ले रखी है दबंग दिल्ली से 2 पॉइंट की। वहीं यहाँ पर दबंग दिल्ली की टीम अभी तक शानदार खेली इस मैच में, भले ही यहाँ पर 2 पॉइंट से पीछे हो लेकिन यहाँ पर बेहद ही शानदार खेला है दबंग दिल्ली ने। दबंग दिल्ली के रेड विभाग की बात करें तो रेड में अभी तक दबंग दिल्ली को मिला है 14 पॉइंट्स। वहीं दोस्तों बात करते हैं पुणेरी पलटन की, तो पुणेरी पलटन ने अभी तक यहां पर 24 पॉइंट ले लिए हैं और यहां पर फर्स्ट हाफ के बाद 2 पॉइंट की लीड बना रखी है पुणेरी पलटन ने। पुणेरी पलटन ने यहाँ पर रेड में 15 पॉइंट्स लिए। जी हाँ दोस्तों, पहला हाफ दोनों टीमों के लिए बेहद ही शानदार रहा। दोनों टीमों के रेडर्स पहले हाफ में खूब बढ़ चढ़ कर बोले। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पर 1 पॉइंट ज़्यादा है पुणेरी पलटन का दबंग दिल्ली से 1 पॉइंट, इसलिए यहाँ पर 2 पॉइंट का डिफरेंस हमें 1 पॉइंट रेड पॉइंट से यहाँ साफ दिखाई देता है। वहीं सुपर रेड की बात करें तो दोनों ही टीमों के खिलाड़ी, किसी भी खिलाड़ी ने अभी तक सुपर रेड नहीं मारी। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी के सुपर रेड में अभी 0 स्कोर है। वहीं टैकल पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर दबंग दिल्ली के 5 टैकल पॉइंट्स है, तो वहीं पुणेरी पलटन के भी यहाँ पर 5 टैकल में पॉइंट्स है। वहीं दोस्तों बात करते हैं दबंग दिल्ली की, तो दबंग दिल्ली को अभी यहाँ पर 2 ऑल आउट के पॉइंट्स मिले हैं। मतलब दोस्तों दबंग दिल्ली ने एक बार पुणेरी पलटन को ऑल आउट किया, जिसके यहाँ पर 2 ऑल आउट के पॉइंट्स मिले हैं दबंग दिल्ली को। वहीं यहाँ पर पुणेरी पलटन के भी ऑल आउट पॉइंट्स की बात करें तो इनके भी ऑल आउट पॉइंट्स में अभी 2 पॉइंट है। मतलब दोस्तों पुणेरी पलटन ने भी एक बार दबंग दिल्ली को यहाँ पर ऑल आउट किया, जिसकी वजह से इन्हें भी ऑल आउट पॉइंट्स में यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिले हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स की, तो दबंग दिल्ली को दोस्तों यहाँ पर मिला है 1 एक्स्ट्रा का पॉइंट। वहीं यहाँ पर पुणेरी पलटन की बात करें तो पुणेरी पलटन को यहाँ पर एक्स्ट्रा में मिला है दोस्तों 2 पॉइंट्स। वहीं यहाँ पर पुणेरी पलटन फर्स्ट हाफ के बाद मात्र यहाँ पर 2 पॉइंट से ही आगे है। वहीं दोनों टीमों की रेटिंग बेहद ही शानदार रही है फर्स्ट हाफ के बाद। यहाँ पर दबंग दिल्ली के 14 पॉइंट तो वहाँ पुणेरी पलटन के 15 पॉइंट। यह मुकाबला काफ़ी अभी यहाँ तक टक्कर का खेला जा रहा है और इस मुकाबले का नतीजा दोस्तों देखते हैं अंत में किस टीम के यहाँ पर पक्ष में जाता है। दोनों टीमें अभी तक इस मैच में बेहद ही शानदार खेली है दोस्तों। वहीं बात कर लेते हैं आज के मैच में दबंग दिल्ली की, यहाँ पर दोस्तों स्टार्टिंग 7 की, तो यहाँ पर दबंग दिल्ली की स्टार्टिंग 7 में नवीन कुमार, विजय मलिक, आशु मलिक, रवि कुमार, विशाल, किशन, अमित हुड्डा, ये एक 7 धाकड़ खिलाड़ी शामिल है। वहीं दोस्तों नवीन कुमार ने अभी तक यहाँ पर 5 रेड में पॉइंट्स लिए, 0 टेकल का पॉइंट मिला है, 2 यहाँ पर बोनस का पॉइंट लिए। वहीं यहाँ पर 7 टोटल अभी तक यहाँ पर नवीन कुमार ने पॉइंट्स लिए हैं। वहीं विजय मलिक ने 0 यहाँ पर रेड में पॉइंट लिया, 1 टेकल में पॉइंट लिया है, 4 यहाँ पर बोनस में पॉइंट लिया विजय मलिक ने। और विजय मलिक ने यहाँ पर टोटल अभी तक 5 पॉइंट्स लिए हैं। एक बेहद ही शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन दिखाया है यहाँ पर दबंग दिल्ली की तरफ से विजय मलिक ने। और ये यहाँ पर सुपर रेडर भी शामिल 7 हो सकते हैं यहाँ पर इस मैच में। आशु मलिक ने भी 4 यहाँ पर रेड में पॉइंट लिए, 0 टेकल का पॉइंट लिया अभी तक, वहीं 0 बोनस का पॉइंट लिया, टोटल इनके भी 4 पॉइंट है। यहाँ पर आशु मलिक विजय मलिक की जोड़ी बेहद ही कमाल कर रही है। यहाँ पर लगातार विजय मलिक बिना किसी को आउट किए, बिना किसी को टच किए 4 बोनस ला चुके हैं, तो वहीं आशु मलिक लगातार 4 पॉइंट खिलाड़ियों को आउट करके यहाँ पर लाए हैं और अपने 4 पॉइंट है। विजय मलिक के है 5 पॉइंट, दोनों की जोड़ी यहाँ पर 9 पॉइंट ले चुकी है। भाई विजय मलिक तो यहाँ पर डिफेंडर का काम भी कर रहे हैं, 1 टेकल में पॉइंट ले लिया। रवि कुमार ने यहाँ पर 0 रेड में पॉइंट लिया, 1 टेकल किया, 0 बोनस का, वहीं 1 यहाँ पर टोटल इनका पॉइंट है रवि कुमार का। वहीं यहाँ पर विशाल की बात करते हैं दोस्तों, तो विशाल ने यहाँ पर 0 रेड में पॉइंट लिया, 1 यहाँ पर टेकल में पॉइंट लिया है विशाल ने। वहीं यहाँ पर 0 एक बोनस का पॉइंट लिया विशाल ने, टोटल एकमात्र एक ही पॉइंट लिया है वो भी टेकल में। वहीं क्रिशन की बात करें जो आज की स्टार्टिंग 7 में शामिल है दबंग दिल्ली की तरफ से, दबंग दिल्ली ने आज किशन को यहाँ पर मौका दिया है। दोस्तों देखते हैं किशन यहाँ पर मौका किस तरफ बुनाते हैं आज के मैच में। किशन ने अभी तक 0 यहाँ पर रेड में पॉइंट लिया, 1 टैकल किया है, 0 यहाँ पर बोनस में पॉइंट लिया और 1 टोटल इनका पॉइंट है अमित हुड्डा का। तो दोस्तों अभी तक यहाँ पर खाता भी नहीं खुल पाया है। अमित हुड्डा के स्कोर्स की बात करें तो 0 यहाँ पर रेड में पॉइंट मिला, 0 यहाँ पर टैकल में पॉइंट मिला है, तो बोनस में भी 0 है। और टोटल पॉइंट की बात करें तो उसमें भी यहाँ पर 0 है। यहाँ पर नवीन कुमार ने अभी तक शानदार मैच खेला है, 5 रेड में पॉइंट लिए, 2 बोनस के, 7 टोटल इन्होंने भी यहाँ पर पॉइंट ले डाले। वहीं विजय मलिक ने भी
यहाँ पर एक टेकल करके 4 बोनस लिए, टोटल इनके भी यहाँ पर 5 पॉइंट है। वहीं यहाँ पर दोस्तों बात करें आशुब मलिक की, तो आशुब मलिक ने यहाँ पर 4 रेड में पोल लिए, 0 टेकल का पॉइंट नहीं मिला और 0 बोनस मिला है। वहीं यहाँ पर टोटल इनके भी 4 पॉइंट है। ऊपर के तीनों ही खिलाड़ियों ने बेदी यहाँ पर शानदार प्रदर्शन किया है अपनी टीम के लिए, और विजय और आशुब मलिक की जोड़ी हर मैच की तरह इस मैच में भी यहाँ पर अपना शानदार प्रदर्शन दिखा रही है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं पुनेरी पल्टन की स्टार्टिंग 7 में कौन से धाकड़ खिलाड़ी शामिल है, तो दोस्तों पुनेरी पल्टन की स्टार्टिंग 7 में ये 7 शानदार खिलाड़ी यहाँ पर धाकड़ खिलाड़ी शामिल है। दोस्तों पहले खिलाड़ी आकाश शिंदे, दूसरे खिलाड़ी पंकज मोहित है, तीसरे खिलाड़ी अभिनेश नंदराजान, चौथे खिलाड़ी इस्माइल नबी बख्श, पाँचवें खिलाड़ी सोमवीर, छठे खिलाड़ी सांकेत सावंत, वहीं यहाँ पर 7वें खिलाड़ी फजलतरा चली है। दोस्तों यहाँ पर ये स्टार्टिंग 7 में 7 खिलाड़ी शामिल है। भाई दोस्तों बात करते हैं आकाश शिंदे की, तो आकाश शिंदे ने यहाँ पर अभी तक 6 रेड में पॉइंट लिए, 0 यहाँ पर टेकल में पॉइंट किया है और 4 यहाँ पर बोनस के पॉइंट भी ले लिए, टोटल इनके 10 पॉइंट है। जो आपको पुणेरी पल्टन की जो 2 पॉइंट की लीड दिखा रही है वो आकाश शिंदे की वजह से ही है। इस खिलाड़ी ने पहले ही हाफ में यहाँ पर अपना सुपर टेन कर डाला और यहाँ पर आकाश शिंदे ने 6 को यहाँ पर आउट किया और 4 यहाँ पर बोनस में पॉइंट लिया, टोटल आकाश शिंदे के 10 पॉइंट से। अभी पंकज मोहिते ने 4 रेड में पॉइंट लिए, यहाँ पर एक टेकल किया है, तो वहीं एक यहाँ पर बोनस का अंक भी मिला है पंकज मोहिते को, टोटल इनके भी 6 पॉइंट से। ये भी आकाश शिंदे का यहाँ पर बखूबी साथ निभा रहे हैं। आकाश और पंकज की जोड़ी यहाँ पर दबंग दिल्ली के ऊपर खूब बरसी है। पंकज मोहिते ने अभी तक शानदार खेला और महेश अपने 4 पॉइंट से दूर है सो अगले सुपर 10 से। वहीं अभिदेश नंदराजान ने 0 रेड में पॉइंट लिया, 3 यहाँ पर टेकल में पॉइंट लिया है। मैं बात करें दोस्तों 0 यहाँ पर बोनस में पॉइंट मिला है अभिदेश नंदराजान ने, टोटल 3 पॉइंट लिए हैं और अपने हाई फाइव से मात्र यहाँ पर 2 पॉइंट ही दूर है। मैं बात करें इस्माइल नबी बख्श की, तो इन्होंने यहाँ पर 1 रेड में पॉइंट लिया, 0 यहाँ पर टेकल में पॉइंट मिला है, 0 ही बोनस में पॉइंट मिला है, टोटल नबी बख्श ने 1 ही पॉइंट लिया। हर मैच की तरह इस मैच में अभी तक इनका परफॉर्मेंस वापस नहीं आया और यहाँ पर हर बार की मैच की तरह हर बार दो तीन पॉइंट ले जा रहे हैं अपनी टीम के लिए। सोमवीर ने 0 यहाँ पर रेड में पॉइंट लिया, 1 टेकल का, 0 यहाँ पर बोनस का पॉइंट लिया है और टोटल यहाँ पर 1 पॉइंट लिया है। वहीं सांकेत सावंत ने 0 रेड में, 0 टेकल में, 0 बोनस में, टोटल 0 पॉइंट है। वहीं फजलत राज चली जो कि शानदार खिलाड़ी है, धाका डिफेंडर है, तो इनका भी आज के मैच में खाता नहीं खोल पाया है। दोस्तों इनके भी टेकल में अभी तक 0 पॉइंट है, टोटल पॉइंट की बात करें तो इनके भी 0 पॉइंट है, अभी तक खाता भी नहीं खुला है। अगर ये मुकाबला पुनेरी पल्टन को जीतना है तो फजल का चलना बेहद ही जरूरी है, जो कि यहाँ पर पुनेरी पल्टन की टीम के कप्तान है। आकाश शिंदे ने बेहद ही शानदार मैच खेला, यहाँ पर सभी दबंग दिल्ली के खिलाड़ियों को यहाँ पर आउट किया है, टोटल 10 पॉइंट है इनके और सुपर 10 कर लिया है और अभी भी शानदार प्रदर्शन इनका जारी है। अगर आज का मैच पुनेरी पल्टन जीती है तो यहाँ पर आकाश शिंदे बेहद शानदार यहाँ पर